नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप बिहार चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई लोग का कमेंट सेक्शन में लिखकर बात आ रहा था कि भैया इस फिल्म को यानी कि जय शंभु फिल्म को सिनेमा घरों में क्यों नहीं चलाया जा रहा है, बहुत पुराना फिल्म हो गया, इस फिल्म के ट्रेलर बहुत दिन पहले ही आया था लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है इस फिल्म के बारे में। तो चलिए हम बताएंगे इस फिल्म के बारे में विशेष रूप से जो भी खबर है, तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जुड़ देखिए। और जितने भी हमारे भाई लोग हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो भी खबर होगी सबसे पहले आप सभी के पास ही पहुंचेगी। जय शंभु इस फिल्म को बनाया गया पशुपतिनाथ प्रोडक्शन के बैनर तले और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और फिल्म को डायरेक्ट किया दोनों एक ही इंसान है जिनका नाम है सोनू खत्री जी। तो चलिए दोस्तों, अब इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आएंगे भोजपुरी के चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे, चिंटू जी, शिल्पा पोखरेल एक नेपाली एक्ट्रेस है और सोनू खत्री, देव सिंह, दुबरा कोइराला, अनुप अरोड़ा, आकांक्षा दुबे, कोलू राणा, कृष्णा महतो यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के नामचीन कलाकार इस फिल्म में देखने को आप सभी को मिलेंगे। इस फिल्म में जो म्यूजिक डायरेक्टर का काम किए ओम झा और सुधम थापा। जय शंभु फिल्म की अगर कहानी के बारे में बात करें तो एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म है जो कि आप सभी भोजपुरिया दर्शकों को यह फिल्म सिनेमाघरों में देखने में बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। दोस्तों मैं बता दूं अगर इस फिल्म के अगर गाने के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे गाने सुनने को मिलेगा प्रदीप पांडे चिंटू जी की आवाज़ में और अन्य कलाकारों की आवाज़ में, अन्य सिंगरों की आवाज़ में भी इस फिल्म में आप सभी को गाना सुनने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं हालांकि इसका जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया था 6 मार्च को रिलीज़ कर दिया गया था लेकिन इसका एक दूसरा ट्रेलर भी आ सकता है या डायरेक्ट फिल्म को लगाया सकता है सिनेमाघर में। जी हाँ, कुछ खबर मिल रही है, कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इसका एक और ट्रेलर आ सकता है जैसे वो फिल्म का, तो आप लोग ठहरिए इंतजार कीजिए और बहुत ही जल्द आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जय शंभु फिल्म को क्यों नहीं सिनेमाघरों में अभी तक रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, यह जो फिल्म है बहुत ही महंगे बजट के फिल्म है, अभी तक जितना भी प्रदीप पांडे चिंटू जी का जो भी फिल्म आया है उससे भी सबसे ज़बरदस्त और महंगे बजट का फिल्म है। हालांकि अभी भी कुछ लोग सिनेमाघरों में जाने से डर रहे हैं, यह कोरोना वायरस अभी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन अब धीरे धीरे सारे फिल्मों को सिनेमाघरों में चलाया जा रहा है। जब सारे फिल्मों को चलाया जाएगा, जब लोग सारे लोग जाने लगेंगे, जब हर फिल्म की कमाई होने लगी तो इस फिल्म की भी कमाई अच्छी तरह से हो जाएगी, इसलिए फिल्म को नहीं चलाया जा रहा क्योंकि बहुत ही महंगे बजट का फिल्म है। और अभी फिलहाल छठ पूजा के शुभ अवसर पर प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 2 को लगाया जा रहा है सिनेमाघर में, तो आप लोग इस फिल्म को देखिए और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जोड़ दीजिए। जिस तरह आप लोग ने विवाह फिल्म को दिया था उसी प्रकार इस फिल्म को भी अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहे टॉप बिहार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।